हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। टोटल तीन कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। जैसा कि हम लोगों को पता है, एग्जाम में क्वेश्चन इनकी संधियों के ऊपर आता है, जैसे कि ली चैपले की संधि जो हुई थी कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, कहाँ पे हुई थी। या क्वेश्चन आ जाता है कि पेरिस की संधि, पौंडीचेरी की संधि, तो ये सारे तथ्य हम लोगों को पता होने चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कार्नेटिक वॉर्स की शुरुआत ऐसे होती है कि इंग्लिश और फ्रेंच का अपने उत्तराधिकार, अपने अधिकार को, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमेशा से संघर्ष चल रहा था। ये 200 साल तक संघर्ष चला था लगभग, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनका संघर्ष होता था। यही संघर्ष जब दोनों ये दल भारत में आते हैं, दोनों देश भारत में आते हैं, तो यहाँ भी जारी रहता है। इसका अगर हम लोग बात करें पहले कार्नेटिक युद्ध की, तो यह इसे अधियार का युद्ध भी कहते हैं, जो 1746 से 1748 तक चला था। इसका प्रारंभिक कारण होने की शुरुआत हुई थी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी था ये, कि कौन उसको उत्तराधिकार करेगा। तो 1746 से 48 के बीच में यह युद्ध चला था, और इसमें संधि हुई थी ली एल चैपले की संधि, जो साल 1748 में हुई थी। इस युद्ध ने भारतीय नरेशों की दुर्बलता को प्रकट कर दिया, क्योंकि जिस साइड से भारतीय नरेश लड़ रहे थे वह साइड हार गई थी, और उन्होंने कुछ खास से निर्णायक अपना पक्ष नहीं रख पाए थे जो भारतीय नरेश थे युद्ध में। तो पहला जो कार्नेटिक वॉर थी वो 1746 से 48 के बीच में हुई थी। एल चैपले की संधि होती है साल 1748 में, इसी तरह से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। दूसरी कार्नेटिक वॉर जो होती है वो 1749 से लेकर 54 तक चलती है, जहाँ पे पौंडीचेरी की संधि होती है जो 1755 में होती है। और यहाँ पे कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों में विवाद के कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 1749 से लेकर 1754 यानी कि लगभग 5 साल तक चला था, जो कि संधि हैदरा जो कि पौंडीचेरी की संधि 1755 के साथ खत्म होता है। यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, मतलब कि कोई पक्ष इसमें जीता नहीं था, किंतु अंग्रेजों का पक्ष यह भारी रहा था यहाँ पे। तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो हुआ था, इसे हम लोग वेंडी वॉश का युद्ध भी कहते हैं, जो 22 जनवरी 1760 को होता है। यह 1756 से चल के 1763 तक। तीसरा कार्नेटिक युद्ध जो है, ये वेंडी वॉश का युद्ध है, जो 22 जनवरी 1760 तक, 1760 में मतलब युद्ध हुआ था वेंडी वॉश का। इसकी शुरुआत 1756 से होती है, 1763 तक चलता है, जो लगभग 7 वर्षों तक होता है, और इसकी समाप्ति पेरिस की संधि के साथ होती है, जो कि अंग्रेजों की फ्रांस के ऊपर भारत में निर्णायक जीत होती है, जो 1763 में पेरिस की संधि होती है। वेंडी वॉश का युद्ध जो है 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, और इस संधि के तहत आखिरी बार 1763 में पेरिस की संधि के साथ ही फ्रेंच का भारत में प्रभाव लगभग समाप्त सा हो जाता है, या फिर एक सीमित दायरे तक वह रह जाते हैं, और अंग्रेजों का पूर्णात्मक भारत पर अधिकार, अगर विदेशी शक्तियों के मामले में बात करें, तो स्थापित हो जाता है। तो तीन कार्नेटिक युद्ध हुए थे, पहला होता है 1746 से 1748, दूसरा होता है 1749 से 1754, और तीसरा होता है 1756 से लेकर 1763 तक। पहले में जो संधि होती है वह होती है हमारे पास एल चैपले की संधि, जो 1748 में होती है। दूसरी जो संधि होती है वो होती है हमारे पास पौंडीचेरी की संधि, जो साल 1755 में होती है। और तीसरी जो संधि होती है वो पेरिस की संधि होती है, जो साल 1763 में होती है। तो इस प्रकार से तीन या इम्पोर्टेंट युद्ध थे, जो इंग्लिश फ्रेंच जिन्हें वॉर्स भी कहते हैं, कार्नेटिक युद्ध होते हैं। तो एक बार और से इनके सालों को रिवाइज करते हैं। पहला जो साल है वो 1746 से 1748, दूसरा 1749 से 1754, और तीसरा है 1756 से 1763 तक। पहले में होती है एल चैपले की संधि, 1748, दूसरे में होती है हमारे पास पौंडीचेरी की संधि 1755, और तीसरे में जो होती है वो पेरिस की संधि 1763। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कि फ्रांस और इंग्लिश के बीच में कार्नेटिक वॉर्स। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।